हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। अगर आप किसी स्कूल में क्लास 9 में एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट देने वाले हैं तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक सैम्पल टेस्ट पेपर लेकर आई हूं। प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करें और देखें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और अगर आप में से किसी ने क्लास 9 का एडमिशन टेस्ट फ़िलहाल दिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आए थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्कूल कॉलेज एडमिशन और एडुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियोज़ लेकर आती हूँ। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। क्लास 9 एडमिशन टेस्ट में किसी भी स्कूल में जनरली 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। किसी स्कूल में एसएसटी या सोशल साइंस का भी पेपर होता है। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 9 के लिए साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। अगले आने वाले वीडियो में मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट पेपर शेयर करूँगी। क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है 20 मार्क्स का। इनमें से 6 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर वन वर्ड में या वन सेंटेंस में होगा, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और आखिरी के 2 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के। इस तरह से टोटल पेपर बनता है 20 मार्क्स का। ये क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है 40 मिनट में, यानी 40 मिनट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में। पहला क्वेश्चन, What is the name of scientist who discovered cell? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सेल यानी कोशिका को खोजा था। आंसर होगा रॉबर्ट हुक। नंबर 2 है, नेम द ऑर्गेनेल विच इज नोन एज सुसाइडल बैग। उस कोशिका का नाम बताइए जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। आंसर होगा लाइजोसोम्स। ये जो लाइजोसोम्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल्स आता है, वेस्ट मटेरियल आता है, उसको वो तोड़कर डाइजेस्ट कर देते हैं। इस तरह से लाइजोसोम्स जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने के न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने के काम में हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी सेल्स हमारे बॉडी में डेड हो चुके हैं उसे भी डिस्ट्रॉय करने का काम लाइजोसोम्स करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। वो कौन सा मेटल है, धातु है, जिसे हमें केरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है। आंसर है सोडियम, क्योंकि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर हम सोडियम को खुले में रख देंगे तो हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसके साथ सोडियम रिएक्ट करके उसमें आग प्रोड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम ऑफ ग्लैंड विच रिलीजेस हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो हार्मोन्स रिलीज करता है और उस हार्मोन को सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है। आंसर होगा इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड एक डक्टलेस ग्लैंड है जो हार्मोन प्रोड्यूस करने के बाद सीधा उसे हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है। एग्जाम्पल है पैनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, और ये इंसुलिन हमारे ब्लड लेवल शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द पीपल ऑफ आवर आईज इन डिम लाइट। तो हमारे आंखों की पुतलियों के आकार में क्या बदलाव होता है। देखा होगा जब भी हम मूवी थिएटर में जाते हैं और फिल्म शुरू हो चुकी होती है और लाइट्स ऑफ हो चुकी होती है, तो जब हम एंटर करते हैं तो शुरुआत में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे थोड़ा सा समय होता है हमारी आंखें एडजस्ट हो जाती है और हमें उस डिम लाइट में भी दिखाई देने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम डिम लाइट में जाते हैं तो हमारे आंखों की पुतलियाँ वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, वो फैल जाती हैं। जब हम डिम लाइट में जाते हैं तो हमारे आँखों के पीछे जो नर्व्स है वो एक सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से आंखों में आयरिस नाम का जो मसल्स हैं उनको मैसेज पहुंचता है और आंखों की पुतलियां चौड़ी हो जाती है और हम डिम लाइट में भी थोड़ी देर के बाद देख पाते हैं। नेम द लेंस विच इज़ यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। कौन से लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं। आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं तो जो छोटी चीज़ें भी होती हैं वो बड़ी दिखती है। ये 6 क्वेश्चंस थे 1-1 मार्क्स के।
अब बढ़ते हैं दो मार्क्स के सवाल पर। कैन साउंड ट्रैवल इन वैक्यूम, एक्सप्लेन। क्या ध्वनि वैसे स्थान में जो बिल्कुल भी खाली है, यहाँ तक कि उस स्थान में गैस या हवा भी नहीं है, ऐसे स्थान में क्या ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकती है? नहीं, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, क्योंकि साउंड मैकेनिकल वेव्स हैं, इसलिए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए, जैसे कि हवा या पानी। इसलिए अगर वैसा स्थान जहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं है जिसमें ध्वनि की तरंगे मूव करे, तो वहाँ पर हमें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वाई क्रैकलिंग ऑफ साउंड इज हर्ड वाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स। सर्दियों में जब हम ऊन से बने गर्म कपड़े पहनते हैं, तो कभी कभी स्वेटर उतारते वक्त एक छोटा सा स्पार्कल और करंट सा लगता है, वो क्यों होता है? ऊन एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो ये स्वेटर या गर्म कपड़े हमारे बॉडी के कॉन्टैक्ट में आते हैं। जब हम मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमारा बॉडी और ये ऊनी कपड़े एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आकर फ्रिक्शन होता है, एक घर्षण होता है, और जिसकी वजह से स्टैटिक चार्ज क्रिएट होता है। गिव थ्री डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल, इट इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल। एनिमल सेल, इट इज नॉट सराउंडेड बाय सेल वॉल। प्लांट सेल, इट हैज प्लास्टिड्स। एनिमल सेल्स, इट डज नॉट हैव प्लास्टिड्स। प्लांट सेल्स, इट डज नॉट हैव सीलिया। एनिमल सेल्स, इट हैज सीलिया। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? गिव वन मैन मेड काउजेस एंड वन नेचुरल काउजेस फॉर ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेटिक चेंज रेफरिंग टू लॉन्ग टर्म राइज ऑफ द प्लैनेट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फेयर। किसी ग्रह का तापमान लंबे समय तक एक सीमित सीमा से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ये तब होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कारण कुछ तो नेचुरल होते हैं और कुछ ह्यूमन मेड होते हैं। ह्यूमन मेड कारणों में से एक है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब फॉसिल फ्यूल्स काफ़ी ज़्यादा जलाए जाते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाता है। डिफॉरेस्टेशन भी मानव द्वारा किया गया एक कारण है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। चाहे हम खेती के लिए या बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, जंगलों को हम जब काटते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये जो प्लांट्स और ट्रीज काम करते हैं, वो उसमें अवरोध होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। नेचुरल काउजेज होते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, उनमें से एक है फॉरेस्ट फायर्स। आपने सुना होगा कि कई बार जंगलों में अपने आप ही आग लग जाती है, और इस जंगल के आग को बुझाना काफ़ी मुश्किल होता है, और इस आग में हजारों हजारों पेड़ जल जाते हैं। जलने के कारण वातावरण में कार्बन फिल्ड गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी तरह से वॉल्केनिक इरप्शन जब भी होता है, जब भी कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उससे भी बहुत सारी गर्म हवाएं, लावा, ये सारी चीज़ें धरती के अंदर से बाहर निकलती है, और उसके गैसेस के वजह से भी वहाँ का वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है। इन राइट टू डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इट हैपन्स एट द प्लेन सरफेस लाइक प्लेन मिरर। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है प्लेन सतह पर होता है, जैसे कि प्लेन हमारा जो शीशा होता है वो। जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रफ सरफेस पर, खुरदरा सरफेस पर, जैसे कि कोई कार्डबोर्ड हो सकता है। दूसरा डिफरेंस ये है, रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रेगुलर रिफ्लेक्शन आर पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आर नॉट पैरेलल। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये फिगर, पेटल, एंथर, फिलामेंट, रिसेप्टिकल, ओवरी, सेपल, स्टाइल, स्टिग्मा। क्लास 1 टू 12 रिलेटेड मैंने बहुत सारे एडुकेशनल वीडियोस बनाए हैं, आप अपने चैनल को विजिट कीजिए और उन्हें भी ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये था एक सैम्पल टेस्ट पेपर क्लास 9th एडमिशन के लिए। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में हेल्प करेगा।
तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में स्कूल कॉलेज एजुकेशन और सैम्पल टेस्ट पेपर से रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।